हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं हूं शिवली। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलिए गाइज, मैंने कपड़ा डाल दिया है। आज भूल ही गई थी सुखाना, मैंने साफ करके ऐसे ही रख दिया था। फिर तो चलिए अभी नीचे जाती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मेरा जो गार्डन है वो भी दिखा देती हूँ। आई हूँ तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को। तो चलिए, और जो मैंने लास्ट टाइम जो पौधा लाई हूँ ना, वो इतना हेल्दी और इतना अच्छे से ग्रो हुआ है। उसमें तो अभी फ्लावर आना भी चालू हो गया है, कुछ दिनों में टोमेटो भी आ जाएगा। लेकिन मैंने जो फर्स्ट टाइम पौधा लाई ना, वो इतना हेल्दी नहीं है। टोमेटो आना चालू हो गया है, कुछ दिनों में बैंगन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अभी है दोपहर का टाइम, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मेरा गार्डन। आज मैं शेयर करूंगी वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी में मैं बनाऊंगी हार्ट शेप पूरी और सब्जी। आप लोग इस रेसिपी को आपके स्पेशल डे में, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डे, इस तरह की स्पेशल डे में आप बना सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या फिर बच्चे के लिए, आपके हब्बी के लिए, तो आई होप उनको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हार्ट शेप पूरी। और मैं तो कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ वैलेंटाइन डे के दिन। गिफ्ट तो अलग से रहता ही है, लेकिन और कुछ सरप्राइज करे तो दोनों को ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए, हार्ट शेप पूरी बनाने के लिए मैं मैदा ले रही हूँ 2 कप। आप चाहे तो गेहूँ के आटे से भी ये पूरी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून जितना मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और फिर मिक्स कर लेना है अच्छे से।
ऑयल और मैदा को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बनानी है। जैसे ही नॉर्मल पूरी का आटा बनाते हैं ठीक वैसे ही एक डो बनानी है। मैदे की डो रेडी हो गया है तो अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी डो में और फिर इसे कवर करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। 10-15 मिनट बाद हम पूरी बनाएंगे। तो अभी इसे मैं फिर से थोड़ी देर गूंथ लिया है ऑयल लगाने के बाद, तो अब इसे रख देते हैं साइड में। अभी पूरी बनाना है तो फिर से मैं थोड़ी देर गूंथ लूँगी यह आटे को। अभी पूरी बनाना है तो मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और जैसे ही पूरी बनाते हैं ना ऑयल लगा के वैसे ही बनानी है। और मैदा थोड़ा ज़्यादा लेना ताकि ये आप आसानी से बेल सकें, और ठीक से बेलना नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना हम शेप देंगे तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से शेप देना है। हार्ट शेप सभी को आती है तो आप इस तरह से नाइफ की मदद से शेप दे देना। तो ये देखिए कितने आसान है ना हार्ट शेप पूरी, और दिखने में भी अलग है तो खाने में भी मज़ा आएगा। अगर आप ठीक से शेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, बाज़ार में कुकी कटर बहुत सारा मिलता है तो हार्ट शेप का जो कुकी कटर है ना उसी से भी आप ये पूरी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं फिर से और एक पूरी बना के दिखा रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से बेलना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो बार बनाएंगे ना तो ये आराम से बन जाएगी। ये देखिए मैंने जो थाली लिया है ना उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है पूरी रखने के लिए, नहीं तो पूरी चिपक जाता है, तो थोड़ा सा तेल लगा लेना। शेप देने के बाद बेलन से थोड़ा बेलना है ऊपर से, ज़्यादा मतलब प्रेस करके नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है। मैंने बहुत सारा पूरी बना लिया है, अब इसे फ्राई करना है तेल में। तो इसी तरह से फ्राई कर लेना है जैसे नॉर्मल पूरी को फ्राई करते हैं। और ये देखिए रेडी हो गया हार्ट शेप पूरी। तो मैं सारे पूरी को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आद्या आ चुकी है मेरे पास और उसको हार्ट पूरी मैं बना रही हूँ पता चल गया, तो इसीलिए खाना है बोल के। और ये देखिए बहुत ही आसानी है आपके प्रियजन के लिए, आप बना ही सकते हैं ना कभी कभार स्पेशल डे में, बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे, तो उसके बर्थडे में भी आप बना के खिला सकते हैं। और बस आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर या फिर आपके गेस्ट के लिए भी ये हार्ट शेप पूरी सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे नए नए रेसिपीज़ के लिए। मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वैलेंटाइन डे में आप लोगों को इसे बनाना, जो लोगों का नए नए शादी हुआ ना उनके लिए तो बहुत ही खास हो जाएगा। तो आप लोग बना के खिलाइए आपके हबी को और फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर को। तो चलिए तो इस पूरी के साथ पसंदीदा सब्जी बनाइए और सर्व कीजिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शाम के चाय बनाने, तो शाम की चाय बाकी था तो इसीलिए मैं अभी चाय बना रही हूँ, और आद्या को और आद्या के डैडी को चाय पीनी है। दूसरे गैस पे पानी गर्म हो रहा है और अभी ऑफिस से आए हैं आद्या के पापा, और इसीलिए मैं चाय बना रही हूँ अभी।
हाट पूरी मैं लंच में ही बनाने वाली थी, लेकिन आद्या के पापा नहीं आने वाले थे लंच करने, और आद्या को राइस खाना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने मतलब लंच में नहीं बनाई, डिनर के लिए ही रखा है। तो डिनर में हम लोग सब खाएंगे एक साथ। डिनर करने में थोड़ा लेट हो गया है, और ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया है अभी पूरी, क्योंकि ना मैं शाम के टाइम ही पूरी बना दिया था, क्योंकि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना था। तो चलिए मैं ही खाऊंगी, और आद्या के लिए, उसके डैडी के लिए मैंने अलग से फिर से बनाई। डिनर कर लिया है, और मैंने दिन में ज़्यादा सूट नहीं कर पाई हूँ, मैंने सोचा था दोपहर को लंच के टाइम ही मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन लंच में मैंने राइस बनाई, और मेरी बेटी को थोड़ा राइस ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लंच के टाइम नहीं बनाई, डिनर में बनाई। तो मैंने सोचा हस्बैंड और हम तीनों खाएंगे, तो इसीलिए डिनर के टाइम मैंने शेयर किया है। तो आप लोग ट्राई करना ये रेसिपी, और आपके वैलेंटाइन डे को स्पेशल बना देना। तो आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। नॉर्मल पूरी के तरह ही है, जस्ट शेप में कट कर लेना है, या फिर कुकी कटर बहुत सारे बाज़ार में मिलता है, तो हार्ट शेप का होगा ना कुकी कटर, तो उसमें भी आप हार्ट शेप पूरी बना सकते हैं। तो चलिए ये न्यू रेसिपी आप लोगों को इस वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ही स्पेशल हो जाएगा कि हस्बैंड के लिए या सरप्राइज देना, तो आई होप वो लोग खुश हो जाएंगे। मेरे वैलेंटाइन डे पे मैं तो इसी तरह से खुश करती हूँ मेरे हस्बैंड को, तो आप लोग भी आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को खुश कर सकते हैं, कुछ स्पेशल बना सकते हैं वैलेंटाइन डे के लिए। तो आप लोग भी बनाना और ट्राई करना कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ और एक नए प्रॉब के साथ। गुड नाइट।